जय माता दी फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे मेवाड़ के गुहिल की। और हम जानते हैं कि मेवाड़ का जो इतिहास है वो कितना गौरवपूर्ण रहा है। सो अभी तक हमने जो कुछ महान शासकों की बात की जो अब तक मेवाड़ पे शासन कर रहे थे महाराणा प्रताप से पहले, जैसे कि महाराणा कुंभा हुए, महाराणा सांगा हुए, तो इनसे महान तो हमें पता है कि मेवाड़ का जो इतिहास है वो इन्हीं ने रचा है। और कहा जाता है कि अगर महाराणा प्रताप और सांगा के बीच में अगर उदय सिंह सॉरी महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं हुए होते तो शायद मेवाड़ का इतिहास और भी उज्ज्वल हुआ होता। सो आज हम शुरू करते हैं महाराणा प्रताप से, और होप कि हमारा इस जो पार्ट थर्ड में हमारा मेवाड़ का इतिहास है वो ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थोड़ा लंबा टॉपिक था, इसमें शासक बहुत सारे थे और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। सो ये वीडियोस 3 पार्ट्स में हुए हैं इसी वजह से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज़ 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 फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब इट एंड लेट्स बिगिन। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। और जैसा कि हम जानते हैं ये उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। ये वैसे तो इनको नहीं बनाया था, जगमाल को बनाया था पहले धीर भाई के कहने पे। धीर भाई मतलब रानी भटियानी। और इनके बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 2 में आपको बता दिया था। फिर भी अगर आपको आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा फिर आपके। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ, रविवार को। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में इनका जन्म हुआ था। और माता जयवंताबाई बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में बीता था, लेकिन बाद में पिता के साथ में जंगलों में घाटियों में पहाड़ियों में उनके साथ में रहना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे उनके पिता जो थे वो भटक रहे थे, तो इनको भी अपना जो टाइम था वो वहीं पे काटना पड़ा। उसके बाद में इनका बचपन के नाम की बात करें तो कीका था। कीका क्यों पड़ा था? क्योंकि जब ये जंगलों में रहते थे तो पहाड़ी भाग में भील के बच्चे जो होते हैं उनके भील के बच्चों को इसी नाम से पुकारते हैं, मतलब छोटे बच्चे को कीका कहते हैं, इसलिए इनका नाम कीका पड़ गया। विवाह इनका हुआ था 1557 में अजबदे पंवार से, जिससे 16 मार्च 1559 से को मतलब 2 साल बाद अमर सिंह जो इनका पुत्र था उनका जन्म हुआ। और एक जैसलमेर की जो राजकुमार थी छिहरबाई, वो भी इनकी पत्नी थी। जैसा कि हम जानते हैं पहले शासक के 2-4 रानियां नॉर्मल थे। तो पहली बार राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था, और बाद में मतलब जब पहली बार इनका राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में, कमर पर तलवार किसने बांधी थी? कृष्णदास ने, रावत कृष्णदास ने, जो राव चूड़ा का पोता था उन्होंने बांधी थी। और उस टाइम पे इन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वह माता पिता के पवित्र दूध को कभी कलंकित नहीं करेगा। और दूसरी बार इनका राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि पहली बार कहाँ हुआ था तो गोगुंदा में, दूसरी बार कहाँ हुआ था कुंभलगढ़ में। और ये भी याद रखेंगे कि जन्म कुंभलगढ़ के कटारगढ़ उसमें हुआ था, दुर्ग में हुआ था, तो ये कुंभलगढ़ में उनको बाद में राज्याभिषेक हुआ था। क्योंकि उस टाइम पे जब इनका राज्याभिषेक हुआ था तब कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि इनका अच्छे से राज्याभिषेक नहीं हो पाया था उदय सिंह की जस्ट मौत के बाद में, और इस वजह से बाद में इनका मतलब विधि के अनुसार कुंभलगढ़ दुर्ग में वापस से राज्याभिषेक करवाया था। और उस टाइम पे इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं चित्तौड़ को मुगलों से स्वतंत्र नहीं करा लूँगा तब तक न तो थाली में रोटी खाऊँगा और न ही बिस्तर पर लेटूँगा। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बुक्स में। आगे हम देखते हैं 1570 में अकबर का नागौर दरबार हुआ। मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा प्रताप जो थे वो अकबर की अधीनता स्वीकार करने में खुश नहीं थे। और अकबर का नागौर दरबार था वो, वैसे हम जानते हैं कि उस टाइम पे भारवल ने इनकी मदद की थी, उनकी मदद से ये नागौर दरबार लगा था। जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, आमेर के बारे में पढ़ेंगे, उस टाइम पे हम भारमल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें वापस से मैं आपको बता दूंगी कि नागौर दरबार उनकी हेल्प से ही लगा था
और उसमें क्या हुआ था कि सब अधिकतर राजपूतों ने अधीनता स्वीकारी थी, लेकिन प्रताप ने नहीं, महाराणा प्रताप ने नहीं स्वीकारी। और महाराणा प्रताप सच में बहुत ही प्रतापी शासक थे और इनके लिए 4 दल भेजे थे अकबर ने अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, लेकिन वो सब असफल रहे। और इनको चारों दलों को याद करने की थोड़ी छोटी सी ट्रिक लिखी है मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे, जमा भटो, मतलब जैसे जलाल, माँ से मान सिंह, वैसे भगवान दास और टो से टोडरमल। सो ये थोड़ा सा नीचे डिटेल में भी लिखा हुआ है मैंने। जलाल खान कब भेजे गए थे? नवंबर 1572 को। मान सिंह जून 1573 को आमेर के थे। जब हम आमेर के पढ़ेंगे चौहान, उस टाइम पे आमेर के शासकों में भगवान दास भी पढ़ेंगे, मान सिंह पढ़ेंगे और भारमल पढ़ेंगे उस टाइम पे, तो ये आमेर के थे। फिर भगवान दास अक्टूबर 1573 को भेजे गए थे। फिर टोडरमल दिसंबर 1573 को भेजे गए थे। और ये बात करते हैं भगवान दास के ही पुत्र मान सिंह थे, तो इनके बारे में हम डिटेल में, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही होगा, आमेर का ही होगा, समझाने में असफल रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, बाद में महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाने लग गए थे। और अजमेर में स्थित अकबर का किला, अकबर के किले को ही मैगजीन का किला भी कहते हैं, अकबर का दौलत खाना भी बोलते हैं। इन्होंने इसमें योजना बनाई थी, मान सिंह को मुख्य सेनापति बनाया था, क्योंकि इन्होंने मतलब कहते हैं एक बार उनसे मुलाकात करने के लिए वो गए थे मान सिंह, और उस टाइम पे इन्होंने मुलाकात करने से मना कर दिया इनसे। तो इनका मतलब तो कुछ पुराने टाइम से ही इनमें थोड़ी सी अनबन चली आ रही थी, तो ये बदला लेना चाहते थे मान सिंह। तो इस वजह से मान सिंह ने खुद अकबर से कहा था कि अगर कभी आप वहाँ पे आक्रमण करो तो मुझे सेनापति चुनना। तो मुख्य सेनापति मान सिंह को चुना गया था और सहयोगी आसफ खां को बनाया गया था। और हम जानते हैं कि मान सिंह अकबर के लिए क्यों ज़रूरी थे, क्योंकि ये बचपन से ही उनकी सेवा में थे, ये आमेर के थे, और इनकी जो बुआ है इनकी शादी वहीं हुई थी, और बाद में बहन की भी बताते हैं जहांगीर से हुई थी। तो ये सब इस वजह से जो मान सिंह था, और मान सिंह को दत्तक पुत्र की भी संज्ञा दी थी, तो इस तरीके से वो इनके सेवा में हमेशा से थे मान सिंह, तो इसलिए इन्होंने कहा। तो ये मुख्य सेनापति थे और इनके सहयोगी थे आसफ खां। बाद में गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के मध्य में जो जगह है हल्दी घाटी, उस वहाँ पे मतलब हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 21 जून 1576 को, और राजपूतों का पहला वार बहुत जोशीला था और मुगल उससे भाग खड़े हुए, जिसके साथ मतलब इस टाइम पे जो मुगल इतिहासकार थे वो बंदाइयों ने खा, वो भी वहीं पे थे, मतलब इनका आंखों देखा हाल, जो हल्दी घाटी का आंखों देखा हाल है वो बंदाइयों ने लिखा हुआ है। बंदाइयों ने मुगलों के मेहतर खां ने झूठी अफवाह फैला दी। जब उनको लगा कि पहला ही इतना जोशीला वार है और जो उनकी सेना थी वो भाग खड़ी हुई, तो अब ऐसा तो था नहीं कि मतलब युद्ध किए बगैर वो चले जाते या युद्ध में हार जाते, तो उसने मेहतर खान ने मुगलों की तरफ से एक झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर खुद आ रहे हैं शाही सेना लेकर। तो उनमें थोड़ी सी जान आई मुगलों के सैनिकों में, और उन्होंने वापस से युद्ध शुरू कर दिया। हाथियों का युद्ध शुरू हुआ था, तो इसलिए इनको हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है हल्दी घाटी के युद्ध को, क्योंकि इसमें हाथियों ने भी भाग लिया था, जैसे राणा का जो महाराणा प्रताप का जो हाथी था वो पूना और रामप्रसाद हाथी था। और ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स पूछ ली जाते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, स्टार्टिंग से लेके रीट से लेके, और आप कहीं पे भी कोई भी जिसमें राजस्थान का GS आता है तो उसमें पूछे जाते हैं। और मुगलों का कौन से थे, गज्जायुक्त और गजराज हाथी था। अकबर ने बाद में जब रामप्रसाद हाथी जो था वो उनको काफ़ी पसंद था, जब उनको मिल गया था रामप्रसाद हाथी, तो उन्होंने उसका नाम बदल कर पी प्रसाद रख दिया था। और क्यों रखा था, कहते हैं कि अकबर ने कहा था कि यह हाथी मुझे पीर की जो मतलब जो भगवान होता है पीर की हेल्प से ही मुझे मिला है, पीर की सहायता से, उन्हीं की बरकत हुई है मुझ पर, इसलिए उन्होंने उसका नाम पीर प्रसाद रख दिया। उसके बाद में मानसिंह के हाथी की बात करें तो उसका नाम था मर्दाना हाथी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये भी पूछे जाते हैं। मुगलों की सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया, तो झाला मन्ना या बीदा बोला जाता है, ने राज चिन्ह ले लिए, वीरगति को प्राप्त हुआ। उसने मतलब उनकी शक्ल थोड़ी सी प्रताप से मिलती भी थी, महाराणा प्रताप से, और उनको लगा कि प्रताप का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है मेवाड़ के लिए, तो उन्होंने उसको बचाया और वहाँ पर खुद वीरगति को प्राप्त हो गए।
प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो वीर गति को प्राप्त हुए वो थे हकीम खां सूरी, और उनका मकबरा है खमनोर उदयपुर में। घोड़ा उनका चेतक बरलीचा गांव में एक नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया, और कहा जाता है कि जो चेतक था उसको मतलब जो जहरीले खंजर से युद्ध भूमि में ही उनको घाव लग गया था जब वो उनके हाथी के ऊपर सूंड के ऊपर चढ़े थे जब वार करने के लिए चेतक, तो उस टाइम पे उनका जो हाथी था मुगलों का जो हाथी था उनसे उसके जहरीले खंजर से वहीं पे घाव लगा था, और लेकिन उसने फिर भी अपने मालिक का स्वामी का साथ दिया और बलीचा गांव में एक नाला पार करते हुए वो परलोक को सिधारे थे और वहीं पे उनकी छतरी बनी हुई है बलीचा गांव में। प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह, पहले तो वो मुगलों की तरफ था, मुगलों से जा मिला था, लेकिन जब लास्ट में जब वो वापस आते हैं मुगल सेना से बाहर निकल के तो वो वहाँ से जा रहे होते हैं, तो शक्ति सिंह का जो भ्रातृ प्रेम है वो जाग जाता है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफ़ी मांगता है, और महाराणा प्रताप ने उनको माफ़ भी कर दिया। ये जानकारी हमें अमर काव्य वंशावली ग्रंथ व राज प्रशस्ति से मिलती है, और जिसको रणछोड़ भट्ट ने लिखा है। सो फ्रेंड्स, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये जानकारी हमें अमर काव्य वंशावली ग्रंथ व राज प्रशस्ति से मिलती है, और इसे आप याद रखोगे किसने लिखी है, रणछोड़ भट्ट ने। अब हम किरण देवी जयवंती की बात कर लेते हैं, कौन थी, प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री थी। तो इसके बारे में एक स्टोरी प्रसिद्ध है कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं, इनका विवाह हुआ था बीकानेर के राठौड़ शासक कल्याणमल। जब हम बीकानेर के राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम पे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, तो कल्याणमल के छोटे पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ के साथ इनका विवाह हुआ था। तो इनके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली में मीना बाज़ार लगता था जिसमें मतलब पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन अकबर त्रिवेश में वहाँ पे घूमा करता था, और एक बार उसने किरण देवी को वहाँ पे देख लिया था, और वहाँ पे जब उनको देखा था उनकी नज़र किरण देवी पर पड़ी थी तो वो उसको घेर के स्पर्श करने की कोशिश की थी उन्होंने, तो किरण देवी ने क्या किया था, कटार निकाल कर और उनको ज़मीन पर पटक कर, और मतलब वो कहती है कि मेरे अंदर मतलब मेवाड़ का खून बह रहा है, मतलब वो एक क्षत्राणी थी, और अगर अपने प्राण बचाना चाहते हैं तो ये आज के बाद में कभी भी ऐसा घिनौना काम नहीं करेगा, कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा, तुम्हें नारी को मतलब इज्जत देनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तो अदरवाइज मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगी अभी, तो ऐसा कुछ कहा था। तो अकबर ने उस टाइम पर माफ़ी मांगी थी, और कहा जाता है कि उसने उसको प्राणों की भीख दे दी थी अकबर को, लेकिन उसी दिन से मीना बाज़ार लगना बंद हो गया है। तो ऐसी स्टोरी बताई जाती है, कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं। मुगलों की अगर देखा जाए, हम बात कर रहे थे कि जो युद्ध था हल्दीघाटी का उसकी बात कर रहे थे, तो मुगलों की इसमें विजय होती है हल्दीघाटी के युद्ध में। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसको अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी थी। कहा जाता है अनिर्णित इसलिए था कि इसमें मतलब उनका मोटिव ये था युद्ध का, मुगलों का कारण ये था कि वो महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ें या फिर उसको मार दें, कैदी बनाएं, जो भी उनका मोटिव था ना वो कम्प्लीट नहीं हुआ था, मतलब वो बच गया था, तो इसलिए इसको अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी। लेकिन कहने को तो कहा भी जाता है कि मुगलों की इसमें विजय हुई थी। प्रताप युद्ध भूमि से कोल्यारी गांव पहुंच गए थे, वहां से आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित की थी, और उसके बाद में अब्दुल खादर बंदाइयों ने खाने, अब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं, एक तो बंदाइयों ने इसको मुतकाफ उल तारीख में गोगुंदा का युद्ध कहा है, अपनी पुस्तक मुतकाफ उल तारीख में इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, गोगुंदा मतलब ऊपर बिंदी बंदाइयों में भी आती है, तो इसे थोड़ा सा कनेक्ट करके याद रखेंगे। अबुल फजल अकबरनामा में उन्होंने खमनोर का युद्ध बताया है इसे, कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली या फिर राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा है, और इसके साथ इस युद्ध के कुछ और नाम है, जैसे बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण बनास का युद्ध भी कहा जाता है। युद्ध की शुरुआत हाथियों से हुई थी इसलिए इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य जो पीली मिट्टी पाई जाती है इस वजह से हल्दी जैसी पीली, इसलिए इसे हल्दीघाटी का युद्ध कहा जाता है। अकबर मानसिंह से नाराज होकर, क्योंकि इस टाइम पे जो मानसिंह को जो काम दिया था
उसे अधीनता स्वीकार करवाने का या फिर उसे पकड़ना जिंदा या मुर्दा, तो वो काम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। और अकबर को शक हो गया था मान सिंह पे, इसलिए उन पे नाराज़ हो गए थे। और उनकी जो 7,000 मनसबदारी थी, मतलब 7,000 उन्होंने मनसबदार दिए हुए थे इनको, वो वापस छीन लिए थे और उनके घोड़ों को शाहीदाग से भी मुक्त कर दिया था। शाहीदाग से मनसबदारी तो होती है पद प्रथा, अकबर ने शुरू की थी कि जिसका जैसा पद होता था, जिससे जितना खुश होते थे उतनी मनसबदारी देते थे अकबर। और शाहीदाग होता है कि मतलब शाहीदाग मतलब कुछ निशान लगाना, मतलब कुछ निशाने उनके घोड़ों पे कि ये उनके दिए हुए घोड़े हैं, तो इस तरीके से वो भी बंद की थी। तो पद जात व स्तर के अनुसार उसे घोड़े व सैनिक रखने की अनुमति दी जाती थी, तो वो होती थी मनसबदारी। अब हम बात करते हैं नवंबर 1576 में अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण होता है। उदयपुर जीतकर नाम मोहम्मदाबाद कर दिया, उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद कर दिया। अकबर ने शाहबाज खां को प्रताप से युद्ध करने के लिए भेजा। किसे भेजा? शाहबाज खां को। जाने से पूर्व प्रताप ने अपने मामा अखिराज के पुत्र मानसिंह सोनग्रा की, इसका जो मामा था अखिराज, उससे मानसिंह का जो पुत्र था मानसिंह सोनग्रा, उसको कुंभलगढ़ किले की जिम्मेदारी देकर और उसके बाद में वो युद्ध के लिए गए थे प्रताप। 3 अप्रैल 1578 को विजय प्राप्त की। पहली बार इस अजय दुर्ग पर कुंभलगढ़ दुर्ग को किसी ने जीता था, मतलब उनके एब्सेंस में कुंभलगढ़ का अधिकार हो गया था और कुंभलगढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग, मतलब आज तक कोई जीत नहीं पाया, तो लेकिन इस पे अधिकार हो गया था, इसको जीत लिया था। तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा है। इसके बाद प्रताप की आर्थिक स्थिति थी वो कमज़ोर हो गई थी, मतलब उनके पास सेना का खर्चा उठाने के लिए पैसा नहीं बचा था। तो चूलिया ग्राम, तो नाम यहाँ पे थोड़े से याद रखेंगे कि समीप दोलाप गाँव में भामाशाह, तो भामाशाह तो बहुत सुना होगा फ्रेंड्स आपने, भामाशाह व उसके परिवार भाई ताराचंद प्रताप के मंत्री ने, तो 25 लाख रुपए और 2,000 सोने की अशर्फियाँ देकर उनकी मदद की थी। तो उसका भाई ताराचंद और प्रताप के मंत्री ने 25 लाख रुपए और 2,000 सोने की अशर्फियाँ देकर उसकी मदद की थी महाराणा प्रताप की। इससे 25,000 सेना का 12 वर्षों तक खर्चा निर्वाह किया था महाराणा प्रताप ने। इसलिए भामाशाह जो थे वो मेवाड़ के दानवीर कहलाते हैं, मेवाड़ का उद्धारक हैं। इनका जन्म 28 जून 1547 को रणथंभौर में हुआ, वैसे निवासी पाली के थे। 1580 को अकबर ने शाहबाज खां को बुलाकर अब्दुल रहीम खान ने खाना को प्रताप के विरुद्ध भेजा। अब जो शाहबाज खां को भेजा था उनको तो वापस बुला लिया और अब भेजा अब्दुल रहीम खान ने खाना को, ठीक है। प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने खाना खा के परिवार को बंदी बना लिया। जो अब्दुल रहीम खान ने खाना था, जो उसको भेजा था शाहबाज खां को वापस बुला के, जिसको भेजा था उसके परिवार को बंदी बना लिया। लेकिन जब ये बात महाराणा प्रताप को पता चली तो महाराणा प्रताप ने उनको वापस छोड़ के आने के लिए कहा सुरक्षित उसी स्थान पे, और ऐसा हुआ भी। मतलब जब वापस छोड़ दिया तो उन्होंने क्या किया, युद्ध का जो अब्दुल रहीम खान ने खाना था उन्होंने कुछ टाइम के लिए, अकबर ने भी जो महाराणा प्रताप के साथ में युद्ध करने का विचार था वो छोड़ दिया था। फिर होता है दिवेर का युद्ध। प्रताप ने अपनी सेना व अमर सिंह के साथ महाराणा प्रताप के पुत्र अक्टूबर 1582 में दिवेर पर आक्रमण करते हैं। उस समय दिवेर का किलेदार अकबर का काका सेरेमा सुल्तान खान था। प्रताप ने गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति से युद्ध जीता। जेम्स टॉड ने इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक माना, वह युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा याद रखेंगे कि जो हल्दीघाटी का जो युद्ध है वो तो है मेवाड़ की थर्मापल्ली या राजस्थान की थर्मापल्ली, और ये जो दिवेर का युद्ध है इसे कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन और प्रताप के गौरव का प्रतीक। तो यहाँ पे अकबर का अंतिम प्रयास होता है। अकबर ने 5 दिसंबर 1584 को आमेर के भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवाहा को प्रताप के विरुद्ध भेजा। और जैसा कि भारमल जो थे वो कछवाहा वंश से ही थे, कि आमेर के कछवाहा जो हैं, मतलब आमेर में कछवाहा वंश था पहले, तो
भारमल के जो छोटे पुत्र थे जगन्नाथ कछवाहा, उनको प्रताप के विरुद्ध भेजा। जगन्नाथ को उसमें सफलता नहीं मिली और मृत्यु हो गई उनके वहाँ पे। तो जगन्नाथ कछवाहा की 32 कमरों की जो छतरी है वो मांडलगढ़ में ही स्थित है। दिवेर की विजय और चावंड जो उनकी राजधानी रही थी 28 वर्षों तक बाद में महाराणा प्रताप की, तो राजधानी बनाने के बाद में महाराणा प्रताप चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर शेष पूरे मेवाड़ पर अपना अधिकार कर चुके थे। 1597 ईस्वी में धनुष बाण की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप के पैर पर चोट लगी थी और कहा जाता है उसी की वजह से 19 जनवरी 1597 को चावंड में उनकी मृत्यु हो गई। बांडोली गांव के निकट नाले के तट पर दाह संस्कार किया गया। तो दाह संस्कार हुआ था बांडोली गांव के निकट नाले पे, और जहां पर खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की छतरी है। अब अजब दे पंवार, इनकी बात करते हैं, कौन थे? सिरोही के पंवार शासक भामरक पंवार की पुत्री थी, महाराणा प्रताप की सबसे प्रिय रानी। इनसे जो अगला उत्तराधिकारी होगा वो इन्हीं से जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप सिंह का विवाह 1557 में हुआ था, और ये अजब दे पंवार ही जो थी इनकी रानी, वही जंगलों में प्रताप के साथ सारे ऐशो आराम छोड़कर उनके साथ भटकती थी। 1559 में अमर सिंह का जन्म होता है इन्हीं से। फिर अमर सिंह जो हैं अगले शासक बनते हैं। 1597 से 1620 ईस्वी तक इनका जन्म 16 मार्च 1559 को होता है, राज्याभिषेक चावंड में होता है। 1559 में अकबर के कहने पर सलीम जो थे, उनका जो बेटा था अकबर का, जो जहांगीर भी कहते हैं जिन्हें, ने उदयपुर पर आक्रमण किया। युद्ध उटाला स्थान पर किया और मुगल सेना पराजित हुई। इसमें 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और 5 फरवरी 1615 को खुर्रम से मुलाकात कर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अब अमर सिंह जो थे, जैसे उदय सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था, अमर सिंह के पुत्र करण सिंह गए थे मुलाकात करने के लिए। तो इसमें कहा जाता है कि जैसा मैंने स्पेशल आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जैसे उदय सिंह ने सबसे पहले अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी, उसी तरीके से अमर सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक था। और संधि के बाद, मतलब की तो थी इन्होंने संधि, लेकिन इनको मतलब ये दुखी रहने लगे थे, तो संधि के बाद में इन्होंने राजपाट त्याग दिया था और राजसमंद जेल के पास में वैरागी जीवन व्यतीत करने लग गए थे, और मतलब काफ़ी परेशान से रहने लगे थे। 26 जून 1620 को मृत्यु हो गई अमर सिंह की। दाह संस्कार आहड़ में हुआ, कहा जाता है कि वहाँ पे मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान है, ठीक है, मतलब ज़्यादातर मेवाड़ की महाराणाओं का वहीं पे दाह संस्कार हुआ है, जहाँ पे पहली छतरी अमर सिंह की ही बनी थी। बाद में बात करते हैं अब हम करण सिंह की, 1620 से 1628 में, और इनका जन्म 7 जून 1584 को होता है, राज्याभिषेक 26 जून 1620 को। मेवाड़ का पहला शासक जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम पे जो मेवाड़ में इससे पहले जो उनके पिता थे करण सिंह के, जो अमर सिंह थे, उनसे जब संधि हुई थी तो उसमें था कि वो ज्येष्ठ पुत्र को भेजेंगे, तो करण सिंह को भेजा था, तो इस हिसाब से करण सिंह ही तो पहले वो मुगल दरबार में जाने वाले पहले मेवाड़ी शासक हुए। तो अकबर की मनसबदारी प्रथा द्वारा मेवाड़ के इस राजा को प्रथम बार अलंकृत किया गया था। तो मनसबदारी जो प्रथा थी उससे सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है, मेवाड़ के इस राजा को प्रथम बार अलंकृत किया गया था मेवाड़ों में, मेवाड़ के शासकों में। 1622 में खुर्रम ने पिता जहांगीर से विद्रोह कर मेवाड़ आकर घनिष्ठ मित्र करण से शरण ली। अब इनसे तो मित्रता बढ़ गई है, और यहाँ पे क्या हुआ कि जहांगीर जो थे वहाँ पे, वो तो उनके जो पिता थे उनसे उनकी विद्रोह बढ़ गया था, खुर्रम का मतलब शाहजहां। पहले उदयपुर में स्थित दिलवाड़ा की हवेली में, बाद कुछ दिन पिछोला जेल में स्थित जंगवंदरों के महल में शरण ली थी। और जैसा कि मैंने बताया था कि यहीं पे खुर्रम आए थे, जब हम बात कर रहे थे पिछोला जेल की बात कर रहे थे और जंगमंदिरों की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को भी यहीं पे शरण मिली थी, और खुर्रम को भी जब जहांगीर से विद्रोह करके आए थे तो जगमंदिरों में ही शरण मिली थी। तो करण सिंह ने पिछोला जेल में जग मंदिर के महलों का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, और कहते हैं कि शाहजहां को यहीं से, मतलब ताजमहल बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से लिया गया है, जब वो यहाँ पे शरण ली थी तब
जब देखे थे इनको जंग मंदिर के महलों को। तो करण सिंह ने पिछोल ये महलों का निर्माण कार्य शुरू करवाया था करण सिंह ने, और उसके पुत्र जगत सिंह प्रथम ने इसको पूर्ण करवाया था। तो 1628 में करण सिंह का देहांत हो गया, और उसके बाद में भीम सिंह अमर सिंह का छोटा पुत्र, करण सिंह का छोटा भाई। तो उसके बाद में हम पढ़ते हैं जगत सिंह प्रथम के बारे में। तो जगत सिंह प्रथम थे 1628 से 1652 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। 1615 की मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करते हुए, कि जैसा कि मैंने बताया था कि 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी और उसकी हमने बात की थी पहले वीडियो में, तो उसमें क्या, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि कोई भी नया काम, कोई भी किला, किसी की भी मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। लेकिन जगत सिंह प्रथम ने उसका उल्लंघन करते हुए चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई, जिससे कि 1621 की बात है, सांझा ने नाराज होकर प्रतापगढ़ और शाहपुरा रियासत को मेवाड़ रियासत से अलग कर दिया और अलग रियासत की मान्यता दे दी। अब बात करते हैं नौजुबाई की। तो नौजुबाई कौन थी? जगत सिंह की दाई माँ थी। जगत सिंह द्वारा बनाए गए जगदीश मंदिर थे, जगत सिंह से जगदीश मंदिर, इनके पास में इन्होंने धाय का मंदिर बनवाया था नौजुबाई ने। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे कि जगत सिंह प्रथम की जो धाय माँ थी वो नौजुबाई थी, और इन्होंने धाय का मंदिर जो जगदीश मंदिर के पास में बना हुआ है वो इन्होंने बनवाया था। 1650 में जगन्नाथ राव का भव्य विष्णु मंदिर नागर शैली पंचायत तन शैली का ये बहुत अच्छा उदाहरण है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे, जगन्नाथ राव का भव्य विष्णु मंदिर, ठीक है, जो 1650 में बनाया गया था, वास्तुकार थे भाणा व उसका पुत्र मुकुंद। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, भाणा पुत्र मुकुंद के द्वारा जगन्नाथ राव का भव्य विष्णु मंदिर जो नागर शैली या पंचायत शैली का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसी मंदिर में जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखवाई गई, जिसके रचनाकार कृष्ण भट्ट हैं। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के कृष्ण भट्ट हैं रचनाकार। बाद में बात करते हैं अगले शासक की, राज सिंह की। 1652 से 1680 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था, और कहा जाता है इनके बारे में कि राज सिंह ने औरंगजेब से वैसे अच्छे संबंध थे, जैसा कि इनसे जो पूर्वज थे जगत सिंह से भी कुछ खास वो नहीं था, तो लेकिन उससे पहले करण सिंह वगैरह से उस टाइम से काफ़ी अच्छे संबंध चले आ रहे थे, लेकिन औरंगजेब से पहले अच्छे संबंध से राज थे राज सिंह के। लेकिन औरंगजेब ने मारवाड़ के राठौड़ों की छोटी जो शाखा थी रूपनगर किशनगढ़, तो ये मारवाड़ के जो राठौड़ थे इनकी जो ये छोटी सी शाखा थी, इनकी जो राजकुमारी थी चारुमती, उनसे विवाह करने की सोची थी, उनको ये पसंद थी औरंगजेब को, और इसके लिए सगाई का डोला किशनगढ़ भेजा था। लेकिन चारुमती के जो भाई थे मान सिंह, वो तो तैयार हो गए थे, लेकिन चारुमती ने स्वीकृति नहीं दी, मतलब वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने राय सिंह से मदद ली, राय सिंह को पत्र लिखकर सहायता मांगी, और राय सिंह ने शादी कर उसे मुस्लिम हाथों से बचाया। तब से मतलब औरंगजेब शादी करना चाहता था, लेकिन राय सिंह ने उससे शादी कर ली, इस बात से उनके अंदर मनमुटाव हो गया और बाद में इनके संबंध खराब हो गए। हार्डी रानी की बात करते हैं यहीं पे, क्योंकि अब हम जो आगे बात करेंगे उसमें हार्डी रानी का थोड़ा सा रोल होगा, मतलब उनके जो राव रतन सिंह चूड़ावत का रोल होगा, इस वजह से कि हार्डी रानी कौन थी, बूंदी के जो जागीरदार थे संग्राम सिंह उनकी पत्नी थी। इनका मूल नाम सलह या सहल कंवर था, कहीं पे अलग अलग नाम मिलते हैं। विवाह सलुम्बर के राव रतन सिंह चूड़ावत के साथ में हुआ था। अब इनकी बात करें राव रतन सिंह चूड़ावत के, तो जैसा कि हम जानते हैं कि विवाह के दूसरे दिन रतन सिंह को राज सिंह की ओर से, जब औरंगजेब उसे शादी करना चाहता था चारुमती से, उस टाइम पे जब राय सिंह ने ठान ली थी कि वो उसे शादी करके और मुस्लिम हाथों से बचाएगा उसे, तो उसने उस टाइम पे रतन सिंह चूड़ावत था वो राज सिंह की ओर से युद्ध किया था औरंगजेब के विरुद्ध। तो उस दिन मतलब उसे प्रीवियस डे पहले दिन उनकी शादी हुई थी, तो दूसरे दिन युद्ध पे जाना था रतन सिंह की को राज सिंह की ओर से, तो देसुरी के नाल के युद्ध में गया था। तो वहाँ पे उसको नई नवेली रानी की याद सताने लगी, तो उसने सेवक को भेजकर जाने से निशाने मंगवाए और रानी ने सिर काटकर भेज दिया निशाने के तौर पर राव रतन सिंह चूड़ावत को। रतन सिंह मारे गए, उनकी छतरी देसुरी की नाल वहीं पे जहाँ पे युद्ध में वहीं पे है, पाली व राजसमंद की सीमा पर बनी हुई है। प्रसिद्ध कवि मेघराज ने मुक्कुल ने
रानी पर सेनानी नामक एक कविता लिखी और हमने काफ़ी बार टीवी में भी सुना है ये सॉन्ग। चूड़ावंत मांगी निशान सेनानी सिर काट दे दियो छत्राणी, कि उन्होंने मतलब निशानी मांगी तो छत्राणी ने अपना सर काट के दे दिया। औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, और जजिया कर लगाने के लिए औरंगजेब को काफ़ी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब लगाया था, तो 2 अप्रैल 1679 को। ठीक है फ्रेंड्स, राज सिंह ने इसका विद्रोह किया था। मारवाड़ के अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ से अच्छे संबंध हो गए क्योंकि वो इसका सहयोग कर रहे थे, करना चाहते थे। मारवाड़ का तो अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़, तो मेवाड़ और मारवाड़ के यहाँ पे मतलब अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे क्योंकि इससे ये भी नाखुश थे। औरंगजेब ने दमन करने के लिए पुत्र अकबर द्वितीय को भेजा, लेकिन वो भी पिता के विरोध में हो गया। अब क्या होना था कि मतलब वहाँ पे जाके ये मेवाड़ मारवाड़ का जो संबंध चल रहा है, अच्छे संबंध हो गए थे इनके, तो इन्हीं में इन्हीं की साइड हो गए अकबर द्वितीय जो औरंगजेब के पुत्र थे। अब आगे क्या होता है कि 1680 में राज सिंह को विष देकर उनकी मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। उनकी छतरी कुमलगढ़ दुर्ग की तलहटी में बनी हुई है। राज सिंह ने अपने साथियों व प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कट कातु की उपाधि धारण की, कि मतलब प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने अपने साथियों के लिए विजय कट कातु का, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है विजय कट कातु की उपाधि किसने धारण की, राज सिंह ने। अकाल राहत के तहत राजसमंद झील का निर्माण करवाया, और राजसमंद झील के बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ें तो कांकरोली में 1662 से 76 के बीच में बनाई गई थी। गोमती नदी का पानी इसके अंदर गिरता है, थोड़ा सा ये राजसमंद झील गोमती नदी धार्मिक दृष्टि से इसको पवित्र झील घोषित कर चुकी है सरकार। इसे उत्तरी भाग को नौ चौकी कहते हैं, जिसमें रणछोड़ भट्ट की राजप्रशस्ति लिखी हुई है, कि राजप्रशस्ति किसने, रणछोड़ भट्ट की। संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति जिसमें 25 शिला लेख हैं राजप्रशस्ति के अंदर, तो ये सबसे बड़ी संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राजप्रशस्ति जो इसके अंदर है। राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील भी राजसमंद झील है, दूसरी बड़ी कृत्रिम झील। अब चंचल कुमारी या रूपमती की बात करते हैं, तो मेवाड़ के रूपनगढ़ राजा विक्रम सिंह सोलंकी की पुत्री थी और इनका विवाह राज सिंह से हुआ था। तो चारुमती की तरह रूपमती या चंचल कुमारी की बात करें तो अब रामरस दे अजमेर के पृथ्वी सिंह की पत्नी थी, तो अजमेर की बात करेंगे तब पृथ्वी सिंह की बात ज़रूर करेंगे। तो विवाह राज सिंह से हुआ था। 1675 में रामरस दे ने देवारी के पास राजनगर में जया नामक बावड़ी बनाई, वर्तमान में इसको त्रिमुखी बावड़ी कहते हैं। तो इसे थोड़ा सा आप याद रखेंगे फ्रेंड्स कि रामरस दे ने जया नामक बावड़ी बनवाई जिसे अब त्रिमुखी बावड़ी कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं अजय सिंह या जय सिंह। अभी तक हमने बहुत इम्पोर्टेंट जो महान शासक हुए हैं उनकी बात कर ली है। ये थोड़े से ऐसे शासक हैं कि आप थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इन्होंने थोड़ी झीलों का निर्माण करवाया तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इनके बारे में, और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नहीं है फ्रेंड्स। सो जय सिंह या अजय सिंह जो 1680 से 1698 तक शासन किया था, ये राज सिंह के पुत्र थे। राज्याभिषेक कुर्जा गांव राजसमंद में हुआ था। उदयपुर में जयसमंद झील इन्होंने बनवाई थी, जैसे जय सिंह नाम ही जय सिंह है तो जयसमंद झील का नाम ही उन्हीं पे पड़ा है। औरंगजेब से इन्होंने संधि की थी। जयसमंद झील जो है वो भारत की दूसरी, प्रथम तो गोविंद सागर है और ये दूसरी राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भारत की, सॉरी। तो प्रथम गोविंद सागर है और दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील भारत की। प्राचीन नाम ढीबर झील, अंतर प्रवाह की झील है। जयसिंह ने गोमती नदी पर बांध बनाकर 1687 से 1691 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। बांध बनाकर गोमती, झावरी, रूपारेल और बांगन नदियों का जल गिरता है, जैसे गोमती नदी का राजसमंद में गिरता था वैसे ही। और कुल 7 टापू हैं। बड़ा वाला जो टापू है उसको बाबा का भांगड़ा नाम से जाना जाता है, उस टापू का नाम है, और छोटे टापू का नाम प्यारी है। इसमें इससे दो नहरें भी निकाली गई हैं जिनका नाम है श्यामपुरा और वह भाट नहर। फिर बात करते हैं अमर सिंह द्वितीय की। 1698 से 1710 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। मारवाड़, आमेर और मेवाड़ के मध्य देवारी समझौता हुआ था इनके शासनकाल में, तो ये थोड़ी सी चीज़ें याद रखने की। तो अमर
मतलब अमर सिंह द्वितीय से आप याद रखेंगे कि इस टाइम पे मतलब सारे सबके बीच में देवारी समझौता हुआ था। मारवाड़ का तो था अजीत सिंह, आमेर का था सवाई जय सिंह, और मेवाड़ का महाराणा अमर सिंह द्वितीय। अब अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह सवाई जय सिंह से कर दिया, ठीक है, इनकी पुत्री का विवाह सवाई जय सिंह से कर दिया, लेकिन एक शर्त के साथ में कि इसमें सहमति हुई कि जिससे उसके जो संतान उत्पन्न होगी, तो चंद्र कुंवरी की जो संतान उत्पन्न होगी वो आमेर का अगला उत्तराधिकारी घोषित होगा। इसके बाद में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का शासनकाल आता है 1710 से 1734 ईस्वी में। अमर सिंह द्वितीय का पुत्र थे ये, अमर सिंह द्वितीय जो इनसे पहले जिस टाइम पे देवारी समझौता हुआ था, मराठों ने जयपुर आमेर पर आक्रमण किया, जयसिंह पराजित, तो उसने एक सम्मेलन बुलाने की योजना बनाई। तो अब वो पराजित हो गए तो उन्होंने एक सम्मेलन बनाया, स्थान हुरडा भीलवाड़ा को रखा गया 17 जुलाई 1734 को। तो इससे भी थोड़ा सा याद रखेंगे, अध्यक्ष संग्राम सिंह को बोले। तो ये जो संग्राम सिंह थे इस टाइम पे, ये आप याद रखेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट यही है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में, कि इस टाइम पे हुरडा भीलवाड़ा में सम्मेलन बुलाया गया था, जनवरी 1734 में मृत्यु होने के कारण अध्यक्षता जो थी वो संग्राम सिंह पहले करने वाले थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए किसने की, जगत सिंह द्वितीय ने। तो जगत सिंह द्वितीय ने की इसकी अध्यक्षता, सम्मेलन असफल रहा। फिर संग्राम सिंह ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी व सिसारमा गांव में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाकर प्रशस्ति लगवाई। ये इनके कुछ कार्य थे। अब महाराणा जगत सिंह द्वितीय जिन्होंने क्या किया था, उस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी हुरडा भीलवाड़ा वाले की, तो ये वही महाराणा जगत सिंह द्वितीय हैं जिनका शासनकाल 1734 से 1778 ईस्वी तक रहा। पिछोला जिले में जगत निवास महल का निर्माण करवाया था इन्होंने, जगत निवास महल, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। और दरबारी कवि नेकराम ने जगत विलास ग्रंथ की रचना की थी, तो जगत विलास ग्रंथ की रचना किसने की थी, नेकराम ने। महाराणा भीम सिंह, ये लास्ट हैं फ्रेंड्स, 1778 से 1818 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। 18 वर्ष की आयु में मेवाड़ का, सॉरी 10 वर्ष की आयु में मेवाड़ का शासक बना था, मतलब अल्पायु में। अति सुंदर पुत्री कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर आमेर व मारवाड़ रियासत के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ था। भीम सिंह ने 13 जनवरी 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही इनका जो शासन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इनके साथ 13 जनवरी 1818 के बाद में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि होती है, वहीं पे मेवाड़ का गौरवपूर्ण इतिहास समाप्त होता है। सो फ्रेंड्स, ये था मेवाड़ का इतिहास, जिसमें हमने पहले बहुत महान शासकों के बारे में बात की, और इसमें आखिर में ये जो शासक हैं इनके बारे में हमने इसलिए पढ़ा है, मोस्टली पढ़ते भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में जो एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, कीप इट इन माइंड, होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। And if you have any views or like the video, please put your comments in comment box. So thank you.